कि मैं जन वे चला था मंजिल और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ठीक उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक एक करके अपने जो हैं सारे के सारे टॉपिक जो हैं क्लियर कर लिए हैं। अब बारी है आपके इम्तिहान की, तो एक बार जान लेते हैं कि HBSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो अब की बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, वो आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट वन, जिसमें यानी कि टोटल आपके 3 सेक्शंस होंगे। जो सेक्शन ए है आपका, उसमें टोटल आपको जो है 6 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका वो जो है 2 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से जो आपका टोटल मार्क्स हो गया वो कितना हो गया, 12। जहां पर पहले यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो 10 आते थे, वहां पर अब घटा के कितना कर दिया गया है हमारा, 6 कर दिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन बी है, उसमें आपको जो है टोटल जो है 4 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से जो आपका टोटल जो है वो कितना हो गया, 16 हो गया। जहां पर पहले 5 क्वेश्चन आते थे, वहां आप घटा के कितने कर दिए गए, 4 कर दिए गए। उसके बाद सेक्शन सी, जिसमें जो है आपके टोटल 2 क्वेश्चन होंगे और जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 6 नंबर का होने वाला है, और इस हिसाब से देखें तो टोटल हो गया हमारा 12। तो जो पार्ट वन है हमारा, उसमें जो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, वो आएंगे टोटल 12, और उनकी अगर मार्क्स की हम बात करें तो वो कितने हो गए हमारे, 14 नंबर का आपका पार्ट वन है। और इसी प्रकार 14 नंबर का ही आपका पार्ट जो है सेकेंड है, जिसमें आपको यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और प्रत्येक 40 क्वेश्चन मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा। लेकिन इन 40 के 40 क्वेश्चन आपके जो है MCQ टाइप के नहीं है। इसमें क्या है, जो 18 आपके MCQ आने हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हम बहुविकल्पीय जो है प्रश्न भी बोलते हैं, जो कि पहले 16 आते थे, अब बढ़ा के कितने कर दिए गए हैं, 18 कर दिए गए हैं। उसके बाद वन वर्ड्स, यानी कि जिनका आंसर जो है आपने सिर्फ एक शब्द में देना है, वो हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 12 आएंगे। और फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरिए, तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन हमारे कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो टोटल अगर इनका भी हम टोटल करें, तो जो पार्ट सेकंड है आपका, वो भी कितने का टोटल, 40 मार्क्स का ही है। अब जान लेते हैं कि टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वो कौन कितने नंबर का है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक था, टोटल 10 नंबर आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने आएंगे, 10 आएंगे। उसके बाद अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट एक टॉपिक होता है, तो आप ये मत समझना कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर अलग अलग हैं, यानी कि कंप्लीट अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, जिसमें मैट्रिक्स भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आ गया, तो 12 नंबर का आएगा। और जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें 7 होंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि जिसमें कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएशन का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, वो हमारा 9 नंबर का आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे 7 आएंगे। अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा आएगा 6 नंबर का। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो 3 आएंगे। इंटीगल, जिसके 2 पार्ट थे, डेफिनेट इंटीगल और इनडेफिनेट इंटीगल, टोटल 6 नंबर का आएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हम कितने होंगे, 6 होंगे। अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ तो 6 नंबर का आएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 3 होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, मार्क्स की मैं बात करूं तो 4 नंबर का है, और क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। वेक्टर, जो कि आपका 5 नंबर का है, क्वेश्चन जो कि आपके 4 आएंगे। अगर हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करें तो 7 नंबर का ये टॉपिक है, और क्वेश्चन हमारे कितने आएंगे, 3 आएंगे। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 6 नंबर का है, और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कितने आएंगे आपके, 1 जो है क्वेश्चन आएगा, और 6 नंबर का जो है ये आपका टॉपिक है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो 9 नंबर का ये हमारा टॉपिक है, और क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें से, 5 आएंगे। अगर इन चैप्टरों इन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो एक तो सबसे पहले है हमारा टॉपिक 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें जो है मार्क्स का कितने का आएगा, ये 10, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने हैं, 10। तो सीधी सी बात है, इसमें से कोई भी हमारा 2 नंबर का और जो है 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन जो है रिलेशन फंक्शन से नहीं बनेगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके क्या आएंगे, वो 1 मार्क्स में आएंगे। वो अलग बात है, MCQ आ जाए, 1 वर्ड आ जाए और फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए, तो तीनों मिला के जो है एक एक नंबर के, यानी कि इसमें से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर हम बात करें इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल हमारा नंबर ऑफ मार्क्स जो है हमारे वो कितने, 6, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो वो भी हमारे कितने हैं, 6 हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें से भी हमारा ना तो कोई 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ना ही 4 का बनता है, ना ही 6 का बनता है, 6 मार्क्स का है और 6 ही क्वेश्चन है, तो सारे के सारे एक एक नंबर में ही आने हैं। अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो 6 नंबर का ये टॉपिक, और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सीधी सी बात है,
एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा तो सीधी सी बात है वो किस में आएगा, वो आएगा हमारा 6 नंबर में ही आएगा। तो यहाँ से हम श्योर हो जाते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन हमारा आना है वो कितने का आना है, 6 नंबर का आना है। और अगर हम बाकी की बात करें तो कहीं से आपका 2 का 4 का और 6 का इस तरीके से बनेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि जो 6 नंबर के क्वेश्चन जो आपके पहले बनते थे वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला जो है इस पे कई बार जो है क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व, इस पे जो है कई बार जो है 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, तो जिसमें हमारा लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके 3 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई और जेड, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी डी वन अगर हम कह दें, यानी कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हों तो शायद ये एक्सरसाइज जो है आपकी वो 3.5 थी, उसमें से जो है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। तो एक क्वेश्चन तो हम श्योर हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आएगा, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो आपका आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से तो कोई चांस नहीं बनता है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, यहाँ से जो है आपके चांस हैं पूरे पूरे बनने के, क्योंकि 12 नंबर का ये टॉपिक है, क्वेश्चन की संख्या हमारी कितनी है 7 है। और जो है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपका 9 नंबर का है, क्वेश्चन की संख्या जो है आपकी 5 है, तो बेस थ्योरम हो सकता है यहाँ से, या टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है इस पर बन सकता है, या फिर रैंडम वेरिएबल का जो टॉपिक था वहाँ से चांस हैं अगर कोई 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आए तो। तो ये था हमारा, यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे 52 होंगे, जिसमें से क्या है 40 जो है हमारे पार्ट जो सेकंड है उसके क्वेश्चन है, और जो 12 क्वेश्चन है वो हमारे पार्ट 1 के हैं। तो ये है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो पूरे साल की आपकी तैयारी और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आपकी जो है 1 महीने की तैयारी वो जो है इक्वल होती है। तो अब जो है लास्ट टाइम आपका जो है तैयारी करने का आ गया है, इस मेथड से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जब हमें रूल्स पता हो कि रूल के हिसाब से पेपर जो है किस तरीके का होगा, तो जो माइंड का प्रेशर है वो हमारा कम हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पेपर की, अच्छे से अपना एग्ज़ाम कीजिए, अच्छे से इस पेपर की तैयारी कीजिए। अगर आपने जो है मन से मेहनत की है तो आपके नतीजे भी जो है अच्छे ही आएंगे, आपका रिजल्ट जो है वो बेटर ही आएगा।